इंतजार करती रही हूँ कि मेरे भाई आएंगे आएंगे, अभी शाम का टाइम हो गया। छह मैं पहले दिन जैसे आया था, मैं उस दिन भी आते ही मैं जो है ना सतारा के घर हम लोग पहुंच गए हैं, और आज मामा नदीम भी इधर आ गया है। और जो है चलो भाई, अभी हम लोग जो है ना मामा नदीम को छोड़ने जा रहे हैं, और ये रही सतारा। ऐसे लग रहा है जैसे अभी उम्र से आई है। यहाँ हम लोग खड़े होके स्टेशन का इंतजार कर रहे हैं, स्टेशन पे इंतजार कर रहे हैं कि कब मामा नदीम की ट्रेन आए और फिर हम लोग इनको छोड़ने। अभी यहाँ रखा देगा, ऐसा नहीं करते भाई, ऐसा नहीं करते। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ट्रेन अब जा रही है और हम इंतजार कर रहे हैं कि मामा नदीम की ट्रेन कब आती है और इनको बढ़ के आ गए। हाँ, छुट्टियाँ हो गई स्कूल की। यहाँ से बाबर का जो है ना कूलर पंखा नहीं, पंखा से भाई दुआ लानी कहा करी है दुआ जू। ये सेंटा गिफ्ट आ गया और मेरा ये बच्चा भी आज काफी हद तक ठीक है। अली भी जिस सितारा के घर आ गए, और सितारा ने जो है ना मुझे परफ्यूम गिफ्ट किया है। ठीक है सितारा, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैर वाकियत से होंगे। और अभी सुबह के जो है ना 10 बज रहे हैं और मैं मामा नदीम और बाबर जा रहे हैं खड़ा मार के नाश्ता करने, और मुझे भी थोड़ा सा काम है, वो काम करते हैं। मामा नदीम ये दोनों रेडी हो गए हैं, मैं भी रेडी हूँ, बस अभी चलते हैं वहाँ, चल के नाश्ता करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा काम है मुझे, वो भी आपको बताऊँगा कि क्या क्या काम है, कहाँ कहाँ जाना है हमने, फिर वहाँ चलते हैं और वो आपको वो भी दिखाते हैं। नहीं, हमारा नाश्ता आ गया, अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद फिर देखते हैं क्या 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 करना है। फिलहाल नाश्ता कर लें। मामू मज़ेदार है नाश्ता? अच्छा है, तुम्हें भी अच्छा लग रहा है। खाना वाना हम लोगों ने खा लिया, नाश्ता किए, और ये है शान चटखारा शाही बिरयानी। हम लोग यहाँ से अक्सर नाश्ता करते रहते हैं। अब यहाँ से नाश्ता करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं लस्सी पीने। इस टाइम हम लोग पहुंच गए हैं राहत मिल्क पे, यहाँ से लस्सी पीते हैं, और लस्सी पीने के बाद फिर निकलते हैं घर के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आज तबीयत काफ़ी बेहतर है, हमजू की भी काफ़ी बेहतर है, और आप सबकी दुआओं से ये बेहतर है। ऐसे नहीं बेहतर, आप सबकी दुआओं से है। नदीम जो है ना लस्सी का ऑर्डर देने गए हुए हैं, हवा बहुत अच्छी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह से, तो बस वहाँ यहाँ से लस्सी पीते हैं, और लस्सी पीने के बाद फिर निकलते हैं यहाँ से। देखिए हमारी लस्सी आ गई है, हम लोग तीनों यहाँ खड़े होकर लस्सी पी रहे, मामू नदीम, मैं और ये गिलास मेरा है, और ये मामू, ये ऊपर क्या है, मलाई है? मलाई, इतना मलाई देते हैं? अच्छा जी, मैं बस अभी यहाँ कलेक्टर थाने SSP ऑफिस आया था, मुझे यहाँ थोड़ा सा काम था, तो मेरा यहाँ से काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो अभी देखते हैं क्या क्या होता है फिर। तो यहाँ मेरा आना ना SP साहब से मिलना लाजमी था, और वो मैंने मिल लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा कल तक काम भी हो जाएगा। अब सबकी दुआओं से, बस ऐसे ही दुआएं करते रहा करें। रूटीन वाइज जैसे हमारी लाइट जाती रहती है, लाइट चली गई है और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं हवा में। लाइट आए तो फिर घर जाएँ, क्योंकि लाइट के बगैर तो घर जाना नामुमकिन है ना। अच्छा जी, इस टाइम हम लोग जो है ना इस प्लास्टिक वाली शॉप पे आए हुए हैं, जो बाबा आस्थाने पे हमारे घर के पास काम करते हैं ना, उसका जो है ना पानी की केन ख़राब हो गई है, तो काफ़ी दिनों से परेशान है। मैं सोच रहा था कि उनको केन लेके दूं, दो केने लेके जा रहा हूँ, और उनको जल के सरप्राइज़ देते हैं, और उनको बोलते हैं कि ये आप रखो रोज़, वो अच्छी वाली केन नहीं है तो उसमें पानी भरते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। आज ये वाली चलें भाई, ये केने आ गई, दो कहने आके बस, दो कहने उनको ज़रूरत थी, दो लेके दे देते हैं। अल्लाह तो देख रहा है ना, थोड़ी थोड़ी खिदमत करते रहना चाहिए, सवाब मिलता है। खाने का टाइम हो गया, और इस टाइम हम लोग आ गए इंडस फूड पे, खड़ा मार्केट में है। इसकी बिरयानी बहुत अच्छी होती है, और मामू ने बोला कि मुझे, मैंने कहा आपको दोपहर का खाना बाहर खिलाते हैं, तो उन्होंने बोला कि बिरयानी खानी है, तो मैंने कहा इंडस फूड पे जाना चाहिए, तो फिर अभी आ गए यहाँ से बिरयानी खाते हैं। अल्लाह से जो है ना हमारा कौरमा आ गया है, और ये नान, ये देखिए, ये बाबर अभी खिला रहे हैं हमें, लेकिन देखते हैं कि कौन खिलाता है इनमें। ये नियारी है, और सॉरी पाया ये, और ये बाबर है, मामू नदीम है। खा लिया, और अभी हम लोग जा रहे हैं अम्मी के पास, थोड़ी देर अम्मी से मिलते हैं, उसके बाद फिर मामू नदीम को छोड़ने जाएंगे स्टेशन। हमारा पानी आ गया और हम पानी पी रहे, और मामू नदीम
अम्मी सारे बस अम्मी से मिलने आए थे, अम्मी को मिल लिए और अभी पानी पानी पी के यहाँ से निकलते हैं फटाफट क्योंकि मामुद्दीन को लेट हो रहा है। इंतजार करती रही हूँ कि मेरे भाई आएंगे आएंगे, अभी शाम का टाइम हो गया। मैं पहले दिन जैसे आया था, मैं उस दिन भी आते ही मैं मुझे ये सब चीजें लानी थी, लेकिन जब आ गई मेरे पास तो फिर तो मुझे ये सब करना ही था क्योंकि आप सब व्यूअर की वजह से हम सब हैं। ये आपको उम्र की स्पेशल मुबारक के घर हम लोग पहुंच गए हैं और आज मामा नदीम भी इधर आ गए और जो है ना सितारा और हम तीनों यहाँ हैं। आज जो है ना हम लोग उस्ताद साजिद और मामा नदीम की भी सुलह करवा देंगे क्योंकि हमारी जो फैमिली है ऐसे ही आप सबकी स्पोर्ट्स ऐसे ही हंसते और खेलाती और मुस्कुराती रहे और आप लोग हम सबके लिए दुआएं क्या करें, हम लोग भी आप सबके लिए दुआएं करते हैं। तो छोटी छोटी सिचुएशन की वजह से जो है ना कोई झगड़े वगैरह नहीं करने चाहिए, हो जाता है 19-20, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर की एक रूटीन अच्छी है कि हम लोग बैठ के उस मसले का हल निकाल लेते हैं। तो अभी जो है ना उस्ताद साजिद और इनकी जो है ना गले मिलवाते हैं इनको इसकी वजह से ठीक है। तो फिर जो है ना सितारा बहन की वजह से हम बिल्कुल सारा कुछ कर सकते, जो भी होता है वो सितारा ही करवाती है सारे, मतलब ये कि बड़े मिलजुल के बैठ के बात को समझते हैं फिर उसका वो हल निकालते हैं। तो अभी उस्ताद साजिद को बुलाते हैं, वो तो सो गए, एक मिनट को उठाता हूँ मैं। उस्ताद जी इसलिए तो बजा रहा था कि उठे उस्ताद जी, उस्ताद जी, उस्ताद जी चलो भाई अभी हम लोग जो है ना मामा नदीम को छोड़ने जा रहे हैं और ये रही सितारा, ऐसे लग रहा है जैसे अभी ही उम्रे से आई है, फिर पूछ जी पहना दे और ये रहे उस्ताद साजिद। तो बस आज जो है ना जो भी छोटी मोटी रंजिश थी खत्म हो गई है, बस आप लोग दुआएं क्या करें कि हमारी फैमिली ऐसे हंसती मुस्कुराती रहे, आमीन। बाय बाय। जो है ना हम लोग कैंडी स्टेशन पहुँच गए, ये देखें मामा नदीम और बाबर पीछे आ रहे हैं, अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, देखते हैं लग रही यही ट्रेन हो नहीं तो फिर रुकना पड़ेगा हमें। यहाँ हम लोग खड़े होके स्टेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, स्टेशन पर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मामू नदीम की ट्रेन आए और फिर हम लोग इनको छोड़ने। हाँ कार्ड लेके मामू चला जाता तो फिर बाइक का मज़ा आ जाता, फिर हमें वो बाइक देते ही नहीं फिर वो लोग, ऐसा नहीं करते भाई, ऐसा नहीं करते, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और फाइनली मामू नदीम हम लोग ये समझे थे कि ट्रेन छूट जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग टाइम पे पहुंच गए। तो अभी देखें कब आती है ट्रेन, ट्रेन तो चल पड़ी है, बाकी मामू नदीम वाली ट्रेन आएगी तो फिर उस पर आपको दिखाते हैं कि मामू नदीम भी ऐसे चढ़ के जाएगा और हम उसको ऐसे बाय बाय बोल रहे होंगे। हाँ मामू अभी आपको अपनी ट्रेन का इंतज़ार है, आपको पसीना क्यों आ रहा है? अच्छा चलो ठीक है ठीक है, ट्रेन अब जा रही है और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि मामू नदीम की ट्रेन कब आती है और इनको भी छोड़ें और फिर हम लोग घर जाएं। अल्लाह में इनको सही सलामत घर पहुंचाए और ऐसे खुशी खुशी आप रहा करें। तो ये है बिजनेस क्लास ट्रेन और इसका जो है ना ये देखें इस पर डी भी लिखा हुआ है, ये देखें इस पे पंखा एसी जबरदस्त और इसमें सिर्फ चार बर्थ होते हैं। मैं इधर सो रहा हूँ भाई, तू जा एसी की ठंडी खोलेंगे ना। नहीं बहुत जबरदस्त है और ये देखें डी 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 डी। चलो भाई चलो अलविदा, फिर इंशाल्लाह जब आएंगे तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है बाय बाय, फिर आप अपना डब्बा ढूंढ लीजिएगा। चलो भाई बाबा चले बाय, इस दफा हम भी देख लेंगे कि इकोनॉमी का वो कौन सा ये आए हाय खुशियाँ देखो खुशियाँ, बिजनेस क्लास में जा रहे हैं भाई और बिजनेस क्लास का ये है कि इसका डोर बंद हो जाता है, बाकी जो दूसरा इकोनॉमी होता है वो जो होता है उसका दरवाज़ा नहीं होता, उसमें भी एसी होता है, लेकिन बिजनेस क्लास का ये है कि आप इसको बंद करके ना सुकून से अपनी फैमिली के साथ बैठ सकते हो। ये मामू नदीम को छोड़ने चला गया, मामू नदीम इसके साथ जा रहे हैं, मामू नदीम को छोड़ दिया और अभी हम लोग दोनों जा रहे हैं घर, बल्कि घर नहीं जाते थोड़ी देर सारा के पास जाते हैं, वहाँ से होकर फिर घर जाएंगे, घर चलते हैं। चलो घर चलो, पिजन की तबीयत ठीक है? अच्छा हाँ पिजन की भी तबीयत सही नहीं है ना, उसकी भी दवाई लेने जानी है पहले। बढ़ के आ गए, हाँ छुट्टियाँ हो गई स्कूल की, कल से होंगी, चलो ठीक है जाओ जाओ। यहाँ से बाबर का जो है ना पंखा सिर्फ लेने आए हैं और रॉयल का हम लोगों ने पसंद किया है। हाँ भैया ठीक है, और बाबर को ये कूलर पसंद आ रहा है, लेकिन देखते हैं अभी लेते हैं कि नहीं, तो बस यही है भाई यही है जो भी है यही है।
भाई दुआ लानी कहा कह रही है, दुआ दुआ पप्पू के साथ खेली है भाई। दो तीन दिन से दुआ बहुत काम आ रही थी वीडियो में। सेंटा गिफ्ट है, सेंटा ने क्या गिफ्ट भेजा बेबी को? हाँ ये सेंटा गिफ्ट आ गया और मेरा ये बच्चा भी आज काफी हद तक ठीक है, अली भी और ये सारे अभी। भाई सेंटा का गिफ्ट ओपन करो ना, क्या है इसके अंदर? हाँ अच्छा एक मिनट, वो दुआ भी देख रही है, उसको भी देख रहे हैं ना सेंटा ने क्या गिफ्ट भेजा है। जाओ ये खोल के दिखाती है आपको। ये देखो सेंटा ने इसके लिए क्या भेजा है, वाह पानी की बोतल भी सेंटा ने इसके लिए भेजा है भाई। ये गिलास भी आया है पानी के साथ सेंटा ने भेजा है। और क्या भेजा है फाजा सेंटा ने? अच्छा मेन चीज है ये तो, वाह दुआ आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए? कूल लड़ रही हो। तबीयत कैसी है अभी? ठीक हो गया मेरा बेटा, गुड बॉय। दुआ रानी, दुआ रानी, और नहीं करो नहीं। जो है ना सितारा जी, सितारा के घर आ गए हैं और सितारा ने जो है ना मुझे परफ्यूम गिफ्ट किया है। ठीक है सितारा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इनको जो है ना अभी खोल के फिर इस्तेमाल करूंगा, फिर पता चलेगा। हाँ वो वहाँ मदीने में करते ही ऐसे हैं, और वो कार्ड में उसी जितना दिन आप रहोगे उतना दिन लगी रहती है। अच्छा भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने ये वाला सिलेक्ट किया, बाबर अपनी वीडियो में दिखा देगा। तो आज ये वैसे ये देनी भी ऐसे गिफ्ट चाहिए, हमेशा ये लगाओगे ना तो तुम्हें मेरी याद। तो यही तो बोल रहा हूँ ना कि चीज भी ऐसी देनी चाहिए कि चीज भी ऐसी देनी चाहिए कि जब आप कहीं जाओ तो वो इस्तेमाल करो, तो कोई देखो पहनो या फिर लगाओ। एक सितारा याद आएगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सितारा ने जो परफ्यूम दिया था उसकी अभी करते हैं अनबॉक्सिंग। बाबा ने तो उठाया था VIP और मैंने उठाया ये वाला, तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसकी खुशबू चेक करते हैं। अनबॉक्सिंग करने के बाद ये देखें, जैसे इसकी डब्बी बनी हुई थी वैसे का वैसे ये है, और माशाल्लाह से इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, बहुत। थैंक यू सितारा, थैंक यू। और ये है कोई कैमल, कैमल है इसका नाम, ये है भाई। अगर किसी और ने भी लेना है तो यहाँ से पाकिस्तान से भी मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन है बहुत अच्छा, जैसे मुझे पसंद था डब्बी वाला वैसे डब्बी वाला ये। तो आज का व्लॉग करने लगे हैं हम यहीं एंड, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मामू नदीम भी चला गया है, और उनकी और साजिद के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो भी दोनों की क्लियर करवा दी है, और मामू नदीम को सितारा के घर भी ले गए थे तो साजिद से भी मिलवा दिया, उनकी सुलह हो गई है। और बस जो हमारा तो यही मिशन होता है कि हमारी फैमिली जो है ना एक ऐसी जो ऐसे जुड़ी रहे, लेकिन कुछ लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, तो कोई बात नहीं, उनका उनसे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें इस बात की खुशी है कि हमारी फैमिली के बीच में कोई और नहीं आता, मतलब हम लोग अपनी फैमिली को खुद ब खुद और अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो इस बात की बहुत खुशी और फ़ख्र भी है। अल्लाह में हमारी फैमिली को ऐसे ही जो है ना खुश और आबाद रखे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ अच्छा लेके आते हैं और कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।